एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। मुझे बस ये डायलॉग बोलना था शाहरुख खान का। पठान का ट्रेलर आ गया है भाई, अब सारे हैशटैग बॉयकॉट पठान वाले लोगों के मुंह पे या फिर कहो तो हाथों पे ताला लग गया होगा, क्योंकि देशभक्ति जो डाल दी है शाहरुख खान ने अपने ट्रेलर में। अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो सबसे ज्यादा हरामी आइटम कौन लग रहा है, सबसे ज्यादा हरामी कैरेक्टर तुमको कौन लग रहा है भाई? अगर मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा हरामी दीपिका पादुकोण लग रही है, क्यों, मैं जवाब देता हूँ ना। देखो तुमने दीपिका पादुकोण का वो वाला सीन तो देखा होगा ट्रेलर में, जिसमें वो कन्विंस करना चाह रही है शाहरुख खान को कि मेरे साथ मिशन में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिशन में आ जाती हूँ। पर ये एक दोस्ताना हाथ बढ़ाने से ज्यादा मुझे एक दुश्मनी की एक चाल नजर आ रही है। एक मूवी में एक सोल्जर को कन्विंस करना कि वो अपना मिशन मेरे साथ कर ले, मैं इससे क्या हिसाब लगाऊं, ये अच्छा दोस्ताना हो सकता है या फिर कुछ चाल चल रही है दीपिका पादुकोण की? अब देखो जॉन इब्राहिम तो गुंडे हैं ही, मुझे लग रहा है दीपिका पादुकोण में भी कुछ फिशी फिशी चल रहा है भाई। देखो शर्त लगा लो, दीपिका पादुकोण कोई अच्छी औरत नहीं होने वाली है इस मूवी में। अब अगर बात एक्टिंग की कर ले तो भाई जॉन इब्राहिम ने मस्त एक्टिंग कर रखी है, सच बता रहा हूँ। शाहरुख खान की तो अलग लेवल की एक्टिंग जाहिर रही है इसमें। देखो डायलॉग और शाहरुख खान का अलग ही दिख रहा है इसमें। देखो बहुत प्लस पॉइंट्स हो गए, बहुत शाहरुख खान की बॉडी अच्छी है, बाल अच्छे हैं, हेयर कट अच्छा है, डायलॉग अच्छे हैं, काफी कुछ अच्छा है। लेकिन थोड़ी बहुत डाउनफॉल की भी तो बात कर लेते हैं। देखो इसके VFX कुछ और अच्छे हो सकते थे, अगर थोड़ा और बजट लग जाता या फिर और टाइम मिल जाता तो और अच्छा हो सकता था। देखो उस मूवी से तो काफी अच्छा हो गया है जिस मूवी को तुम सोच रहे हो अभी दिमाग में VFX का नाम लेके। हाँ बस सोच लिया ना, ठीक है। अब मुझे ही लग रहा है या फिर औरों को भी लग रहा है पता नहीं, लेकिन इसके कुछ ऐसे सीन है ट्रेलर में जो कि मैंने पहले भी कई मूवीज में देखे हैं, जैसे कि बस के ऊपर फाइट्स और भी काफी सारे सीन जो मैंने पहले तो कहीं ना कहीं मूवीज में देखे हैं। तो मेरी जान इतना ही था, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।